अगला है हम लोग का ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन इसमें देखते हैं एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन करने के लिए एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन करने के लिए मेनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आगे देखें तो मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल एजेंट होती है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल देखें एग्जांपल में हम बता सकते हैं, तो एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं परमैग्नेट सुनो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, परमैंगनेट। ठीक है, क्रोमेट या क्रोमिक एसिड सुना, क्रोमिक एसिड क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड उसके बाद है ब्रोमीन बेंडेड सॉल्यूशन, ब्रोमीन बेंडेड सॉल्यूशन एंड टैलिन सॉल्यूशन, टैलिन सॉल्यूशन ये होते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जांपल जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए टू मैकेनिज्म से कर सकते हैं, मतलब ये जो यहां पर बता सकते हैं हम लोग इसका रिएक्शन, तो रिएक्शन में बताते हैं कि एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन को टू स्टेट एक्सप्लेन किया जाता है, किया जाता है एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन को टू स्टेट में क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल मैकेनिज्म से इसको, टू मैकेनिज्म इसके टू स्टेट पर इसको हटाओ, टू मैकेनिज्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला किसका मैकेनिज्म होता है,
कौन सा? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और दूसरा मैकेनिज्म होता है आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म मतलब समझ में आ रहे हैं, प्लस माइनस आयन के रूप में, और दूसरा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसमें से हम लोग को पढ़ना है क्या, इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो होता क्या है, तो इसमें है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बताते हैं हम, इस मैकेनिज्म में एल्डिहाइड हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करने पर एसिड रेडिकल देता है। इस मैकेनिज्म में एल्डिहाइड के हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करने पर एसिड रेडिकल देता है। तो देखो इसके इस मैकेनिज्म में क्या होता है, तो जो क्या बोलना चाहिए, एजेंट होगा, उस एजेंट के द्वारा जब हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन करने पर हमको एसिल रेडिकल प्राप्त होगा। तो देखो इसको एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देखो R C डबल बॉन्ड O और H क्या होगा, ये एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का जब हम रिएक्शन H2CR2O4 ये होता है टोनिक एसिड, H2CR2O4, ठीक है, ये होता है टोनिक एसिड। इसके साथ जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने पर हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, तो RC*O प्राप्त होता है, और साथ ही साथ यहाँ से हमको CR जो है वह 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्राप्त, क्रोमियम जो है वह 4 ऑक्सीडेशन से किसमें चेंज हो गया, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मिला है हमको, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एसिल रेडिकल, क्या होता है, एसिल रेडिकल। ये जो एसिल रेडिकल है आर सी डबल बॉन्ड ओ और स्टार, इस एसिल रेडिकल का जब हम फिर से H2CR2O4 की उपस्थिति में इसका क्या करा लेते हैं, ऑक्सीडेशन करा लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, तो यहां से हमको प्राप्त होता है RC(OOH) और यहां पे CR जो है वह 5 ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले में क्या था, ये वाला 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना देते, ठीक है, ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमको प्राप्त होता है। आगे देखें तो आगे इसमें बताया जाता है कि द मैकेनिज्म इज सिमिलर विथ KMnO4, KMnO4 की उपस्थिति में भी यह मैकेनिज्म क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है वो फॉर एल्केलाइन पर मैग्नेट। देखो इसके लिए लिखते हैं फॉर एल्केलाइन पर मैग्नेट, एल्केलाइन मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है एल्केलाइन पर मैग्नेट में, एल्केलाइन पर मैग्नेट
एल्केलाइन सोडियम वो क्या होता है? क्या होता है? इतनी दयनीय स्थिति तुम्हारी जिनके मेरे को बोलता है एल्केलाइन क्षारीय, क्षारीय को बोलते हैं एल्केलाइन, ठीक है। तो क्षारीय पर मैग्नेट, तो क्षारीय पर मैग्नेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं, उससे रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है हमको? तो हमको आयनिक मैग्नीज़ मिलता है, ये वाला आयनिक मैग्नीज़, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन देखें तो कैसा होता है, ये हो गया, इसके साथ जब इसका रिएक्शन करोगे तो ये हो जाएगा। देन यहाँ पे आर सी ओ माइनस और यहाँ से एच और यहाँ पे ओ एच आकर के भी हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखो ये बॉन्ड इधर चला गया तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना ले, ठीक है। अगेन जब इसका MnO4 2- के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह स्लो स्टेप में रिएक्शन करेगा, तो ये इधर आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ करके बाहर करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा RCOOH और साथ ही साथ यहां से देखे तो HMnO4 और यहां पे देखो जो 2- था वो क्या हो जाएगा, अब 1H2O2- ही रहेगा, सिंगल माइनस यहाँ हो गया था, यहाँ भी ये कट जाएगा, ठीक है। ये बन गया, क्या बन गया हमारा, एसिड बन गया। एसिड फिर से इसमें रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, तो यहां से हमको प्राप्त होता है RCOO माइनस साथ ही में MnO3, ठीक है, उस पर है माइनस और क्या मिलेगा तो H2O यहां से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मेन बनाना है किसको, यहीं तक का रिएक्शन देखेंगे, ये एक्स्ट्रा होता है, ये वाला एक्स्ट्रा है, यहीं तक बनना है हमको, क्या बना रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बोलो क्लियर है ये चीज। आगे देखिए फॉर अ न्यूट्रल एंड एसिडिक परमैग्नेट, जब हम न्यूट्रल या फिर एसिडिक परमैग्नेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब फॉर एसिडिक या फिर न्यूट्रल या परमैग्नेट, तो यहाँ पे एसिडिक परमैग्नेट के साथ कराएं तो कैसा होगा, ये रिएक्शन देख सकते हो, ऐसा RC(OH)। ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इसके साथ में, ये है हमारा एसिड परमैग्नेट, एसिड जुड़ा हुआ है तो एसिडिक होगा, ठीक है, तो एसिडिक परमैग्नेट। तो इसके साथ क्या होगा ये, तो इसके साथ ये क्या करता है, तो H जो है MnO, हाँ, तो यहां से देखिए ये कैसा टूटेगा, HO MnO3 ऐसा टूटेगा। अब यहां से देखो OH जो है वह ऐसा टूट रहा है, उस पर प्लस चार्ज आएगा तो ये माइनस चार्ज रखेगा, ये माइनस चार्ज यहां पर अटैक करता है, ये ऐसा चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इस प्लस से ये टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा देखो RC
जब सिंगल बॉन्ड ओ और ओ से जुड़ा हुआ है एन एन ओ थ्री, यहां पे हाइड्रोजन यहां पे ओ एच, ओ एच टूटा यहां से जुड़ा, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इसके प्लस से जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे होता है ऐसा, ये एच प्लस निकलेगा, ये किस बॉन्ड को देगा, ये इधर, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ऐसे क्लियर। और क्या मिल रहा है वहां से, और क्या मिल रहा है, एम एन ओ थ्री माइनस, ठीक है। उसके अलावा वहां पे और क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन हुआ है ये बी माइनस की उपस्थिति में हुआ है, बेस की उपस्थिति में हुआ है, तो बेस की उपस्थिति में हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, प्लस बी एच बी हमको प्राप्त होगा, ये एच और ये बी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस मैकेनिज्म से हम लोग बनाते हैं एसिडिक मैकेनिज्म या फिर न्यूट्रल मैकेनिज्म। ठीक है, आया, चलो आगे देखें, आगे है इसी में, अदर रिएक्शन, तो अदर रिएक्शन में देखते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, इस डायरेक्ट ऑक्सीडेशन में, इस डायरेक्ट ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में पर ऑक्सी एसिड जैसे कि आर सी ओ थ्री एच, ये होता है पर ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है, का फॉर्मेशन होता है, पर ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है, विच डी प्रोपोर्शिनेट्स विद एन अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, जो कि डिसप्रोपोर्शिनेशन, डिसप्रोपोर्शिनेट्स प्रोसेस के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन होता है तब, ये इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से
है, इसके रिएक्शन में आर सी ओ एच ये है। यहां पे आर डैश कोई रेडिकल आ गया, यह रेडिकल क्या करेगा तो यहां से हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा तो ये हो जाएगा आर डैश एच बना करके यहां से बाहर। अब बचा क्या यहां पे रेडिकल, कौन सा रेडिकल, ये कौन सा रेडिकल है, ये कौन सा रेडिकल है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा जब O2 के साथ इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर हमको यहां से क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमको प्राप्त होता है आर सी डबल वन ओ ओ ओ स्टार, क्या है ये, फिर कौन सा रेडिकल होगा, पर ऑक्सी रेडिकल, ठीक है, पर ऑक्सी रेडिकल का जब हम देखो यहां पे क्या मिला है, बोले पर ऑक्सी एसिड प्राप्त होता है और इसका फिर डी प्रोपोर्शनेशन करते हैं किसके साथ, तो एल्डिहाइड के साथ, तो ये पर ऑक्सी रेडिकल जो मिला इसका डी प्रोपोर्शनेशन कराते हैं, ये देखो तो ओ ओ ये रेडिकल हो गया, इसका जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, एल्डिहाइड कौन सा है, ये है, एल्डिहाइड के साथ इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पर ऑक्सी एसिड प्राप्त हो, क्या मिलता है, पर ऑक्सी एसिड कैसे मिलेगा, ये आर सी ओ ओ ओ ओ और एच और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा रेडिकल प्राप्त होगा, बोलो क्लियर है जी, ठीक है। अब आगे देखो तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे ये जो हमारा परऑक्सी एसिड होता है C डबल बॉन्ड O O O और H परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड ये जो होता है यह क्या करता है, दूसरे एल्डिहाइड के साथ डिसप्रोपोर्शनेशन करेगा, दूसरा एल्डिहाइड ये है हमारा, ठीक है, इस दूसरे एल्डिहाइड के साथ यह डिसप्रोपोर्शनेशन करेगा, तो डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे करेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है, तो किस बेसिस पर टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और ये कौन सा प्रोसेस है, ये लास्ट वाला जो ब्लू कलर में लिखाया हुआ है यह प्रोसेस है कौन सा, डी प्रोपोर्शनेट प्रोसेस, डी प्रोपोर्शनेट मतलब जो रिएक्टेंट होता है उसी रिएक्टेंट का उसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड।